हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल अदितीज किचन में। आज हम लेके आए हैं व्रत में खाने वाला समा के चावल का उपमा, जो व्रत में खाया जाता है। ये उपमा बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। ये समा के चावल व्रत में खाया जाता है और इसकी खीर भी बना के खाते हैं। तो खीर की रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। जिसके लिए मैंने हाफ कप यहाँ पे समा के चावल लिए हैं और इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए पानी डाल के भिगो के रख देंगे। तो मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया है और इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसे 15-20 मिनट के लिए हम भिगो के रख देंगे। और जो भी न्यू है मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। तो अब ले लेंगे हम 2 बारीक कटा हुआ आलू। मैंने आलू को इस तरीके से काट लिया है और 1 गाजर ले लिया है, गाजर को बारीक काट लिया है मैंने यहाँ पे। 1 टमाटर लिया है, टमाटर को भी बारीक कट कर लिया है। और अब लिया है मैंने 4 से 5 यहाँ पे काजू को ले लिया है और हरी मिर्च ले लिया है 2 बारीक कटी हुई। और ये मैंने काली मिर्च पाउडर लिया है 1/2 टीस्पून। और मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने जीरा ले लिया है और नमक लिया है मैंने टेस्ट के अनुसार। तो इन सारी चीज़ें ले ली हैं और ये समा के चावल का मैंने पानी निकाल दिया है। तो देखिए अच्छे से समा के चावल ये भीग गए हैं, आप देख सकते हैं। और ले ली है मैंने यहाँ पे कड़ी पत्ता। अगर आप व्रत में कड़ी पत्ता यूज़ करते हो तभी करिएगा। तो अब लेंगे हम एक फ्राई पैन और फ्राई पैन में 1/2 टीस्पून घी डाल देंगे। घी को अच्छे से गर्म कर लेंगे, फिर इसमें काजू डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर काजू को हम रोस्ट कर लेंगे। काजू यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप डालते हो तभी डालें। काजू रोस्ट हो चुके हैं, अब गैस फ्लेम बंद कर देंगे और फिर से लेंगे हम नॉनस्टिक फ्राई पैन और इसमें करीब 2 टेबलस्पून घी डाल देंगे। मैं यहाँ पे उपमा व्रत के लिए बना रही हूँ इसलिए यहाँ पे घी का यूज़ कर रही हूँ। और इसमें डाल देंगे अब जीरा। जीरा को अच्छे से चटकने देंगे। जब जीरा चटक जाएगा तो अब इसमें हम डाल देंगे करी पत्ता। करी पत्ता का फ्लेवर उपमा में बहुत ही अमेजिंग आता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप इसे यूज़ करें अगर आप खाते हो। और अब इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा मिर्च। हरा मिर्च को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। ये उपमा जो मैं बना रही हूँ व्रत में बहुत ही टेस्टी लगता है और थोड़ा सा अलग सी डिश हो जाती है व्रत के लिए। और अब इसमें डाल देंगे हम टमाटर। टमाटर को हम थोड़ा सा सॉटी कर लेंगे, इस तरीके से चला देंगे इसको। और इसको चलाते हुए हल्का सा सॉटी कर लेंगे। तो टमाटर देखिए यहाँ पे हल्का सा सॉटी हो गया है। और अब इसमें हम डाल देंगे सेंधा नमक। सेंधा नमक आप टेस्ट के अनुसार ही डालें इसमें। मैंने यहाँ पे सेंधा नमक डाल दिया है। सेंधा नमक डालने से टमाटर अच्छे से गल जाता है। और इसको अच्छे से चला देंगे, टमाटर में मिक्स कर लेंगे नमक को। और अब डाल देंगे इसमें जो मैंने आलू काट के रखी हुई थी, आलू डाल दिया है मैंने यहाँ पे। आलू को चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं इस वीडियो के बारे में और अपनी अपनी हिंट दें, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगी हुई है। और थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आप लोग के कमेंट से। तो इसमें डाल देंगे हम 2 कप पानी, जिससे मैंने समा के चावल 1/2 कप लिया था उसी से मैं 2 कप पानी डाल दिया इसमें। और इसे कवर कर देंगे उबाल आने तक। जब तक उबाल नहीं आती है तो देखिए अच्छे से उबाल आ गई है, तो इसे खोल के चेक कर लेंगे और इसे चला देंगे। तो देखिए अच्छे से उबाल आ गई है और आलू भी पक गया है अच्छे से। और अब इसमें डाल देंगे कटा हुआ गाजर। गाजर मैं इसलिए बाद में डाल रही हूँ क्योंकि इसका थोड़ा सा क्रंचीपन कच्चा रहे। पहले डालती तो गाजर अच्छे से पक जाती है, उसका क्रंचीपन नहीं रहता,
इसलिए मैंने बाद में डाला है। और इसको मैंने चला दिया अच्छे से। और अब डाल देंगे इसमें समा के चावल जो मैंने भिगो के रखे थे। और अब इसको अच्छे से हम चला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों में। और अब यहाँ पे हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसे चला के अच्छे से 2 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको कवर कर दिया है। 2 मिनट बाद इसे हम चेक कर लेंगे। और इसमें हम जो मैंने काजू रोस्ट की थी वो डाल देंगे और काली मिर्च पाउडर डाल देंगे इसमें। और इसको अब चला देंगे अच्छे से, सारी चीज़ें अच्छे से इक्वल मिल जाए इसमें। तो इसको प्रॉपर अच्छे से चला देंगे और इसे चला के हम 1 मिनट के लिए इसको हम फिर से कवर कर देंगे। 1 मिनट के लिए हम इसलिए कवर कर रहे हैं जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं वो अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो जाए, इसलिए 1 मिनट के लिए इसको और कवर कर देंगे। तो 1 मिनट बाद हम इसे खोल के देख लेंगे। तो देखिए उपमा अच्छे से बन गया है, इसको हम चला देंगे। उपमा देखने में कितना अच्छा लग रहा है तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया बारीक कटा हुआ। हरा धनिया डालने से इसका टेस्ट तो और ही ज़्यादा टेस्टी हो गया है। तो अब गैस फ्लेम हम बंद कर देंगे और ये समा के चावल का उपमा बनकर तैयार है। तो देखिए बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी समा के चावल का उपमा है। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं एक बाउल में। तो मैंने यहाँ पे कांच का एक बाउल ले लिया है और समा के चावल का उपमा इसमें हम सर्व कर लेंगे। और इसको हम काजू से गार्निश कर देंगे। तो मैंने आज को गार्निश कर दिया है। तो कैसा लगा आप सभी को उपमा? अगर मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू।